नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला महिला चिकित्सालय में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आचार्य कुल संस्था द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें आचार्य कुल से जुड़े पदाधिकारी व सदस्यगण समेत जिला महिला चिकित्सालय के चिकित्सक, नर्स और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान जिला महिला चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों और नर्स स्टाफ का आचार्य कुल के पदाधिकारी और सदस्यों ने बैच लगाकर व मेडल पहनाकर सम्मान किया। वहीं सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें विश्व पर्यावरण दिवस पर संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे और प्लास्टिक आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। हम उन सभी चीजों को बंद करेंगे जिनसे पर्यावरण प्रदूषित होता है। पर्यावरण दिवस मना रहा है पूर्व की भांति, और उसी श्रृंखला में यहाँ जिला महिला चिकित्सालय में, जिसमें इस समय इंचार्ज मैडम रेस्पेक्टेड डॉक्टर अमृता रानी भांबे जी हैं, क्योंकि CMS साहब बाहर गई हुई हैं, वो जिला महिला चिकित्सालय और जिला आचार्य कुल दोनों के संयुक्त सौजन्य से आज यहाँ एक विचार गोष्ठी विश्व पर्यावरण दिवस पर रखी गई है, जिसमें पॉलीथीन से होने वाला जो हानि है उस पर, ध्वनि प्रदूषण पर और पेड़ों के कटान से होने वाली हानि पर और जल के प्रदूषण से होने वाली हानि पर, इन तमाम जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, उस संदर्भ में हमारे आचार्य कुल के भाई बहन और विद्यालय से आए हुए भाई बहन और हॉस्पिटल के जो यहाँ के स्टाफ के भाई बहन डॉक्टर्स हैं, डॉक्टरनीज हैं, सभी अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं ताकि इस धरती से पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किया जा सके और प्रदूषण के खिलाफ एक ऐसी मुहिम चलाई जाए जिससे कि जनजीवन सामान्य हो और जीवन मिले लोगों को। क्योंकि प्राचीन काल में जब कोई व्यक्ति बाहर जाता था और 10-5 दिन की छुट्टी आता था, तो उसके महल्ले पड़ोस वाले ये पूछा करते, लाला ये बताओ वहाँ की जलवायु कैसी है। तो जलवायु का मतलब है जहाँ का जल अच्छा होगा, जहाँ की वायु अच्छी होगी, जहाँ की भूमि अच्छी होगी, वहाँ निश्चित रूप से प्रदूषण कम होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसलिए हमारी दोनों संगठन, जिला आचार्य कुल भी और जिला महिला चिकित्सालय, इन्होंने मिल के ये तय किया कि हम एक विचार गोष्ठी करें और उसका समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाए, ताकि हमारे सभी कार्यकर्ता भाई बहन, चिकित्सक भाई बहन, समाज सेवी और अन्य भाई बहन इस ओर लगें, ताकि देश के और दुनिया के को प्रदूषण से मुक्त किया जा सके। क्या संदेश देना चाहेंगे? हम देना चाहेंगे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इसमें लड़ाई लड़नी है तो अभी से लड़नी होगी। भविष्य के लिए ये करना है कि कल कर लेंगे, परसों, ये ठीक नहीं है। हमें अपना जीवन जीना है तो हमारे जीवन जीने के लिए एक विशुद्ध पर्यावरण को भी हमें सुरक्षित रखना होगा। पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो प्राणी सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो धरती का कोई प्राणी सुरक्षित नहीं रहेगा। वक्त हो चला है आप सभी का लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।